सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है आज से एक नई शुरुआत करने चल रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि एक नई शुरुआत। आखिर दोस्तों, आप सब लोग जो है इतने दिनों से पढ़ रहे होंगे दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद, काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद दोस्तों ये तिथि हम लोगों को मिली है 15 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, अर्थात 15 दिसंबर को जो है दोस्तों हम लोगों का एग्ज़ाम होना अभी तय हुआ है कि 15 दिसंबर से अपना एग्ज़ाम स्टार्ट होगा दोस्तों। तो हम लोगों को दोस्तों आज से ही लग जाना है दोस्तों, आज से ही हम लोगों को लग जाना है और एक एक प्रश्न दोस्तों ढूंढ ढूंढ कर हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। कोई भी प्रश्न बचने नहीं पाएगा, याद रखिएगा। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि हमें ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए दोस्तों, ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए, हमें केवल 50 बच्चे चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें केवल 50 बच्चे चाहिए दोस्तों, और ये आपका काम है। अगर 50 बच्चे हमारे पास बने रहेंगे दोस्तों, अगर हमारी लाइव क्लास में दोस्तों 50 बच्चे बने रहेंगे, तो मैं गारंटी करता हूं दोस्तों, मैं गारंटी करता हूं कि मैथ और रीजनिंग और आपका जीएस तीनों में आप दोस्तों बेस्ट करेंगे। ये मेरा वादा है दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो है यहां पर प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों? प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों संडे स्पेशल में दोस्तों विस्तार से पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों और संडे स्पेशल में विस्तार से पढ़ेंगे। अर्थात दोस्तों संडे स्पेशल में हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज का मतलब एक टॉपिक एक चैप्टर एक दिन, वन चैप्टर वन डे संडे स्पेशल में पढ़ेंगे दोस्तों। और बाकी के दिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और वहीं दोस्तों रीजनिंग में आपको डेली बेसिक से कराया जाएगा। तो इतनी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी दोस्तों कि कौन सी क्लास कब चलेगी। आप मैं बता दूं दोस्तों कि जो रीजनिंग बेसिक वाली जो क्लास है दोस्तों वो शाम को 7 बजे है। और आपको जो है और सारी क्लासेस जो है मिलेंगी दोस्तों, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, हमारी लाइव क्लास होने के आधे घंटे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, ये सारी क्लासेस आपकी दोस्तों 20 सितंबर से चलेंगी दोस्तों। उसके पहले अभी आपको दोस्तों प्रतिदिन साइंस स्पेशल मिलेगी। और साइंस में दोस्तों हम लोग सुपर 30 डिस्कस करेंगे। सुपर 30 मतलब दोस्तों 30 प्रश्न डेली हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों साइंस का। ये आपको अभी मिलेगी। और ये 7 बजे वाली रीजनिंग दोस्तों अभी आपको मिलेगी। ये दो क्लास अभी आपको मिलेगी दोस्तों, और जो बाकी क्लास है वो आपको मिलेगी दोस्तों 20 सितंबर के बाद से। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और याद रखिएगा कि कम से कम 50 बच्चे दोस्तों लाइव में जरूर रहें, कम से कम 50 बच्चे जरूर रहें, तभी आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, नहीं तो नहीं चलेंगी दोस्तों। और मैं गारंटी करता हूं आप 10-12 दिन देखिएगा दोस्तों, अगर आपको मजा ना आए दोस्तों तो आप कमेंट करिएगा। अगर 15 बच्चे कमेंट कर देंगे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा दोस्तों। गारंटी है कि अगर 15 बच्चे कमेंट कर देंगे दोस्तों तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। आज तक दोस्तों 300 से ज्यादा वीडियो मैं अपने इस चैनल पर बना चुका हूं दोस्तों, 300 से ज्यादा वीडियो इस चैनल पर बना चुका हूं दोस्तों। और बच्चों के बहुत अच्छे रिस्पांस रहे दोस्तों, और आप लोग अगर जुड़े रहेंगे दोस्तों तो निश्चित ही आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज स्टार्टिंग है, आज हम आपको कुछ बता देते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखा है वर्क एंड टाइम।
ये दोस्तों वर्क एंड टाइम हम लोगों की क्लास चल रही थी, अर्थात इसी के पहले आप लोग अगर ना जानते हो तो एयरफोर्स का, जैसे कि आप जानते होंगे कि एयरफोर्स की भी जो है एग्जाम आ रहा है दोस्तों, अक्टूबर में एग्जाम होगा, तो एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए वाई ग्रुप में हम लोग मैथ पढ़ा रहे थे, तो वर्क एंड टाइम उन लोगों को पढ़ा रहा था। तो चलिए दोस्तों आप भी थोड़ा सा देख लीजिए, आज डेमो देख लीजिए कि किस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। ये आपकी बेसिक क्लास है कि अगर बेसिक में विस्तार से अगर बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा, और बाकी आप प्रैक्टिस जब कराऊंगा दोस्तों तो प्रैक्टिस में आपको आसान क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने एक पीडीएफ भेजा था दोस्तों रीजनिंग का, आप देखे होंगे तो रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की एक पीडीएफ मैंने भेजा था, उसमें हर टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों। और वो मैं नहीं बनाया वो प्रैक्टिस सेट दोस्तों, वो कैरियर बिल अर्थात दिल्ली की सबसे अच्छी कोचिंग मानी जाने वाली दोस्तों कैरियर बिल राकेश सर की कोचिंग है, और वहां का जो है वो मैटर था दोस्तों कि पूरा मैं सॉल्व कराऊंगा, अर्थात अच्छी चीज आपको मिलेगी दोस्तों। क्वालिटी दोस्तों माने रखती है, क्वांटिटी माने नहीं रखती, तो क्वालिटी आपको यहां पर मिलेगी दोस्तों, याद रखिएगा। और वहीं मैथ की मैंने एक सीट भेजी थी इलाहाबाद के सबसे जाने माने टीचर दोस्तों वसीम सर, इलाहाबाद के जाने माने टीचर वसीम सर की जो है मैथ की सीट थी दोस्तों वो, और मैथ आपको वहां से मिलेगी दोस्तों। अर्थात दोस्तों हर जगह से जो अच्छी अच्छी चीजें आपकी हैं वहां से ला करके दोस्तों आपको बताई जाएंगी। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए दोस्तों। तो एक बार जल्दी से आप लोग अपना नाम कमेंट करिए दोस्तों, एक बार जल्दी से अपना नाम लिखिए दोस्तों, ताकि हमें पता चले कि हमारे कौन कौन से बच्चे हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों। और जो बच्चे डेली रहेंगे दोस्तों, जो बच्चे डेली रहेंगे उनका नाम डेली लिया जाएगा दोस्तों, और जो बच्चे कभी कभी आते हैं उनका नाम मैं नहीं लेता हूं, ये मेरी आदत है। तो दोस्तों जो बच्चे डेली रहेंगे उन्हीं का नाम लिया जाएगा, अभिषेक, आशीष, पंकज, मोहित, मुकेश, नीरज, सुनील, विवेक, अनुज। तो चलिए दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं वर्क एंड टाइम। थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, बेसिक बता देता हूं होता क्या है दोस्तों काम समय। वर्क एंड टाइम का मतलब काम समय, इसमें का कई टाइप बनता है दोस्तों। और जो टाइप वन है दोस्तों, जो आपका टाइप वन है वो एकदम बेसिक है, एकदम आसान है। अर्थात दोस्तों अगर कह दिया जाए कि तीन आदमी किसी कार्य को इतने दिन में कर सकते हैं तो दस आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, या फिर दोस्तों कह दिया जाए तीन आदमी दो घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को छह दिन में करते हैं तो चार आदमी दो घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में करेंगे, या फिर दोस्तों बन जाए कि एक छात्रावास में 30 छात्रों के लिए 15 दिन का भोजन है, अगर 10 छात्र उसमें से चले जाते हैं दोस्तों, 10 छात्र उसमें से चले जाते हैं तो भोजन अब कितने दिन चलेगा, या फिर दोस्तों एक ठेकेदार ने एक घर बनाने का 30 दिन में ठेका लिया दोस्तों, तो उसने 15 मजदूर लगा दिए और 10 दिन के बाद वह देखता है कि कार्य जो है समय पर नहीं पूरा होगा, इसलिए वह 20 मजदूर और लगा देता है, तो यह बताइए कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो दोस्तों ये सब जो टाइप है वो हम पढ़ेंगे, अर्थात आसान टाइप से लेकर के दोस्तों कठिन से कठिन प्रश्न आपको यहां पर मिलेगा। यह सोच मत लीजिएगा कि सर जी एकदम आसान प्रश्न बताई है, तो दोस्तों एकदम आसान प्रश्न नहीं, आसान से लेकर के दोस्तों हम लोग कठिन की तरफ चलेंगे। तो आज देखते हैं टाइप वन, टाइप वन में दोस्तों आसान प्रश्न है। आसान प्रश्न क्या है दोस्तों सुनिएगा, M1 D1 T1 अपान W1 बराबर M2 D2 T2 अपान W2। यहां थोड़ा कम दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूं सुन लीजिएगा दोस्तों, M1 D1 T1 अपान W1 M2 D2 T2 अपान W2, इसी में दोस्तों E1 और इसी में दोस्तों E2। मतलब दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि M1 D1 T1 E1 बराबर M2 D2 T2 E2 अपान W2, अर्थात दोस्तों 1 क्या है दोस्तों, M1 मतलब ये यम जो है दोस्तों मनुष्य है, डी जो है ये दोस्तों दिन है, टी जो है दोस्तों समय है, ई जो है दोस्तों क्षमता है, और डब्ल्यू जो है दोस्तों वो कार्य है। अर्थात यही आपको याद रखना है दोस्तों, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपका दोस्तों टाइप वन का सॉल्व हो जाएगा। मतलब M1 D1 T1 E1 अपान W1 बराबर M2 D2 T2 E2 अपान W2। जैसे कि हम प्रश्न पर चलते हैं और पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है, क्या कह रहा है देखिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन लगा है कि 6 मजदूर
छह मजदूर किसी कार्य को लिखा नहीं होगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन। चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं दोस्तों, छह मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। तो अर्थात दोस्तों, जब छह मजदूर थे तो किसी कार्य को करने में 15 दिन लगाए, तो कह रहा है कि आठ मजदूर दोस्तों, आठ मजदूर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। आठ मजदूर किस कार्य उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, मतलब 16 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में कर देते हैं, तो आठ मजदूर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे दोस्तों। तो अर्थात हमने बताया दोस्तों, D1 into M1, अर्थात हमको निकालना क्या है दोस्तों, D2 निकालना है। तो D1 into M1 बराबर D2 into M2। तो D1 कितना है दोस्तों, 15 है, इंटू M1 कितना है दोस्तों, 16 है, बराबर D2 कितना है दोस्तों, 8 है, और M2 हमको निकालना है। ये है दोस्तों M2 है, अर्थात 8 आदमी कितने दिन में करेंगे दोस्तों। तो M2 हमारा 8 है और D2 हमको निकालना है दोस्तों। सॉल्व कर लेना है, 8 दूनी 16, यानी कि D2 बराबर आ जाएगा दोस्तों 15 दूनी 30 दिन। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मतलब कि क्या है दोस्तों, जो हमारे D2 बराबर 30 दिन, यानी कि जो 8 आदमी हैं, 8 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे दोस्तों। तो 8 आदमी उस कार्य को 30 दिन में करेंगे, 8 आदमी उस कार्य को 30 दिन में करेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं, जैसा कि अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आज नहीं लगाया जाएगा, जब आपको बताया जाएगा दोस्तों तब लगाया जाएगा। अभी चूंकि हम आपको डेमो दे रहे हैं, डेमो मतलब किस तरह से पढ़ाना है आपको, तो आपको अगर अच्छा लगे दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। मैं निश्चित ही ये कह सकता हूं दोस्तों कि अगर आप हमारे साथ 10-12 दिन बने रहेंगे तो आपको मजा आएगी दोस्तों, और वो सारे क्वेश्चन आपको आएंगे जो इससे पूछे जाते हैं। अर्थात दोस्तों, जब मैं एक चैप्टर जब मैं खत्म करा दूंगा तो आप पूरा प्रीवियस ईयर पेपर देख डालिएगा। अगर उस चैप्टर से कोई भी प्रश्न हो तो कोई भी प्रश्न दोस्तों उससे बाहर नहीं आएगा, अर्थात आपको कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो आपको ना आए उस चैप्टर का, जो चैप्टर मैं एक बार बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि एक प्रश्न देखते हैं, कह रहा है 45 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। 45 आदमी यानी कि D1 बराबर 45, सीट आपको व्हाट्सएप पर दी गई होगी दोस्तों, सीट आपको व्हाट्सएप पर दी गई होगी। 45 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, अर्थात 45 आदमी है, M1 बराबर 45 और D1 बराबर 12। 45 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो 30 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे दोस्तों, अर्थात M2 बराबर अगर 30 होता तो कितने दिन में करते। तो हमने कहा दोस्तों, इस तरह का प्रश्न हो तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, M1 into D1 बराबर M2 into D2। तो M1 है दोस्तों 45 into 12 बराबर दोस्तों 30 into D2, या फिर दोस्तों देखिए 15 दूना 30, 15 या 45, 2 6 12 दोस्तों, तो D2 बराबर हो जाएगा 6 3 18 दिन, यही आ जाएगा दोस्तों आंसर। किसी को कहीं समस्या हो दोस्तों कमेंट करिए, किसी को कहीं समस्या हो दोस्तों कमेंट करिए, बताइए कहां नहीं समझ में आया। प्रश्न कह रहा था दोस्तों कि 45 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 30 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे दोस्तों। तो कुछ नहीं करना, इसका गुणा कर लीजिए और इससे भाग दे दीजिए, इसका गुणा कर लीजिए और इससे भाग दे दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। अर्थात अगर डायरेक्ट आंसर लाना होता दोस्तों तो केवल यही करते, 45 into 12 बटे 30, यही सॉल्व कर लेते दोस्तों, आंसर आ जाता 18 दिन। जैसे दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्या कह रहा है सुनिएगा। लिखा है दोस्तों, समान क्षमता वाले 21 पंप किसी हौज को 32 दिन में भर सकते हैं। मतलब दोस्तों कि 21 पंप अगर ले लिया जाए दोस्तों, 21 पंप ले लिया जाए तो ये 32 दिन में भर देंगे। तो कह रहा था कि 28 दिन में भरने के लिए, अगर हमको 28 दिन में भरना होता तो कितने पंप लगाते। तो मान लीजिए दोस्तों, मनुष्य है ये और ये आपका दिन है, तो ये आपका मनुष्य दोस्तों और ये आपका दिन है। मतलब अगर 21 पंप को जान लीजिए मनुष्य है, अगर 21 मनुष्य होते तो 32 दिन लगता, तो कितने मनुष्य लगाए दोस्तों कि 28 दिन में पूरा हो जाए। इसका मतलब दोस्तों 32 into 21 और ये बटे 28, बस। तो 7 चौक 28, 7 3 21, 4 8 32 और 8 3 24
24, और चूंकि पंप है दोस्तों तो 24 पंप हो जाएगा। अब पूछ रहा है कितने पंप अतिरिक्त लगाएं दोस्तों। अतिरिक्त लगाने का मतलब पहले हम 21 पंप लगा रहे थे और अब 24 पंप लगा रहे हैं, यानी कि तीन पंप हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं दोस्तों, तीन पंप एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, तो यही आ जाएगा हमारा आंसर दोस्तों। जैसे हम एक प्रश्न पर और डिस्कस करते हैं दोस्तों, सुनिएगा, एक प्रश्न पर और डिस्कस करते हैं, क्या है देखिए, कह रहा है दोस्तों कि 15 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। 15 मजदूर 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में पूरा करते हैं दोस्तों। तो प्रश्न आगे कह रहा है दोस्तों 10 मजदूर 6 घंटा प्रतिदिन काम करके, 10 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके तीन गुने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यही प्रश्न है। अर्थात दोस्तों M1 आपका 15 मजदूर है, T1 आपका 5 घंटे है, D1 आपका 24 दिन है, और W1 मतलब एक काम अगर कर रहे हैं दोस्तों, तो उसी तरह M2 आपका 10 दिन है, और T2 आपका 6 घंटे है, और D2 आपका D2 आपका निकालना है कितने दिन में करेंगे। और देखिए दोस्तों, कह रहा है कि तीन गुने काम को मतलब पहले काम एक था आपका, और अब काम आपका तीन गुना है, अर्थात तीन काम है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, M1 T1 D1 / W1 बराबर M2 T2 D2 / W2। तो देखिए दोस्तों, M1 का मतलब 15, T1 का मतलब 5, D1 का मतलब 24, / W1 का मतलब 1 बराबर M2 यानी कि 10, T2 यानी कि 6, D2 मतलब निकालना है, और W2 दोस्तों 3। तो देखिए 3 × 6, फिर देखिए दोस्तों 2 और 12, 5 × 10 दोस्तों, 5 × 10 और 5 से 5 कट जाएगा दोस्तों। तो सुनिए, देखिए यहां पर 2 आ गया और 2 × 6 = 12, तो 15 × 6 = 90, यानी कि D2 बराबर दोस्तों आ गया 90 दिन। तो ये है प्रश्न दोस्तों, इसी तरह से हम सारा प्रश्न देखेंगे। अर्थात कहीं पर कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो आपकी क्लास दोस्तों 20 सितंबर से चलेगी दोस्तों। तब तक आपको दो क्लास मिलेगी, एक आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी दोस्तों, और एक आपको विज्ञान यानी कि साइंस स्पेशल सुपर 30 मिलेगी दोस्तों। उसमें हम एक एक दिन में 30-30 प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा। जैसा कि मैं देख रहा हूं, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए लेकिन मैं कमेंट पढ़ नहीं पाया दोस्तों, तो कोई बात नहीं, आपका कमेंट जरूर पढ़ा जाएगा। तो अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे दोस्तों, तो कमेंट पढ़ेंगे और बात भी करेंगे दोस्तों। तो आप लोग अपना रिस्पांस दीजिएगा, अपना बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और क्या आप लोग तैयार हैं दोस्तों। एक बार अगर तैयार हो तो लिखिए दोस्तों यस कमेंट करिए दोस्तों। अगर तैयार हो तो यस कमेंट करिए, अंगूठा ऊपर करिए। अगर दोस्तों आप सब तैयारी के लिए तैयार हो तो एक बार अंगूठा ऊपर करिए और यस कमेंट करिए दोस्तों। तो देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे सही कमेंट कर रहे हैं, यस तैयार हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, इस बार रेलवे पार दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। अभी दोस्तों अगर जो है, जो बच्चे SSC की तैयारी कर रहे हों, 10 बजे उनकी इंग्लिश की क्लास चलती है दोस्तों, 10 बजे उनकी इंग्लिश की क्लास चलती है, और इंग्लिश में आज दोस्तों पैसेज करवाया जाएगा, जरूर देखिएगा आप लोग। और बाकी शाम को तो फिर 7 बजे मिलेंगे ही दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।